गुड इवनिंग गाइस। और अभी हम लोग आए हैं इधर, क्या बोलो, एक विंटर समथिंग था, विंटर मेला वगैरह। सो आज लास्ट दिन है, हमें मालूम नहीं था, सो टाइम भी नहीं मिल रहा था। ये संडे का ब्लॉग है, सो संडे आ गए थे और डेकोरेशन प्यारा है। जब पहले बार इससे आगे जो और एक मैंने दिखाया था जो मेले वाला, उसमें शॉप थोड़ा सा कम है, इसमें ज़्यादा है। और वही हैंडलूम वाला सामान वगैरह ही आया था, बट हमें और एक था जगह पे कॉलेज रोड पे जहाँ पर नो इंटरनेशनल हो रहा था, लाइक गोवा वगैरह, राजस्थान, हर एक जगह के आए थे, बट इधर सिर्फ हैंडलूम वाला था, तो हम लोग इधर ही आए थे, उधर गए नहीं थे। सो आज आंटी के साथ आए थे, आंटी को लास्ट तक कुछ ख़रीदना था, तो पहले ही बोल रहा था, ऐसे आने का मूड नहीं था बिल्कुल भी। सो हम लोगों ने आया थोड़ा सा टाइम पास के लिए, क्योंकि तबीयत दोनों का, माँ बेटी का ख़राब है। सो फिर भी देखी, थोड़े टाइम के लिए गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लिया, एक घंटे के लिए गए थे। सो वही पहले दिखाया था आप लोगों को, इस तरीके का हैंडलूम वगैरह। और असम में ये सब हैंडलूम वगैरह ज़्यादा मतलब यूज़ करते हैं सामान, लाइक बेत वगैरह का, अभी इसको हिंदी में क्या बोलते नहीं मालूम मुझे। सो भीड़ लगभग लास्ट दिन है, तो इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और आंटी घर में पहनने के लिए ये सब मेखला थोड़ा सा देख रहा था, हर्षिता के पापा उस गाड़ी पार्क करके आगे उसको रख रहा था, मैंने भी सोचा थोड़ा सा दिखा लेती हूँ। सो पहले स्टार्टिंग में ना, और ये जो बैग था ना, बहुत प्यारा लग रहा था, प्लास्टिक का था, बट इतना भी हैंडलूम पसंद नहीं है, बट कुछ और सब इतना काम आने वाला ऐसा कुछ सब इतना आया नहीं था। आया था बहुत सारा, बट मेरे टाइप का कुछ नहीं आया था, बट मुझे ये फ्लावर वगैरह पसंद आया था। मेरी आंटी को बोली मुझे ये लेना है, तो थोड़ा सा घूम के आने के बाद देखती हूँ और क्या क्या मिलता है। और डेकोरेशन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, और इधर फंक्शन हो रहा था, सॉरी आज लास्ट डे है, तो आज प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और कुछ कुछ दुकानें ऐसा है कि लाइक अनाथ आश्रम को जाएंगे, ओल्ड एज जिसका मतलब प्रॉफिट होगा, ओल्ड एज होम या इस तरीके के जगह पे जाएंगे, जो सुन के अच्छा लग रहा था। सो ज़्यादातर लोगों जो होता है ना, सब कुछ अपने हाथों से बना कर लाए थे, एक्सेप्ट कपड़ा तो नहीं कर सकते, पर जो होता है ना हाथ की जो कारीगर है, वो सब ज़्यादा इधर आए थे। सो ये सब जो चेयर वगैरह है ना, तो मुझे पहले और एक बार भी देखे थे, तो बहुत प्यारा लगा था, और हर्षिता को आते ही ये पसंद आ गया था। सो दिखने में तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, और स्टेज वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा था मतलब। और इस बार देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। हम लोग सिर्फ जाकर पहले घूम रहे थे, वही आदत हो गया था। और आप लोग देख सकते हैं ये सब सामान हाथ से बनाने वाला है, और ये ब्लैंकेट का भी स्टॉल आया था। सो और कुछ शायद होम डेकोरेट का सामान आया था, वो शायद बाहर से आया था, बट इस बार इतने मुझे मज़ा नहीं आया था जितना कि पहली बार आया था। इस बार दुकानें ज़्यादा था, भीड़ ज़्यादा था, उस बार इतना नहीं था, बट फिर भी काम चलाओ चलता है। जो जो लोग इधर के लिए नया आए हैं विंटर के लिए, कारपेट वगैरह ये तो अगले बार भी आए थे शायद दुकान, ये तो शायद वही लग रहा था, प्राइस वगैरह नहीं सुने थे। और बहुत ही ज़्यादा हैंडलूम वाला सामान भी उधर मिल रहा था। इस बार नया यही था, फूड स्टॉल, पोर्क लवर जो भी है उसको मतलब उधर क्या बोलते हैं, आँख में सेक सेक के दे रहा है, बर्न करके दे रहा था। और ये सब थोड़ा बहुत जो होम डेकोरेटर का सामान है, इधर भी एक शॉप है जो इस तरीके का, मुझे ख़रीदना था बट क्या करें, अभी हम लोग रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं, इतना ज़्यादा सामान लेके क्या फ़ायदा करेंगे, अच्छा नहीं लगता है, जाने के टाइम पे ज़्यादा पैसे लगेगी। और ये मुझे पसंद आया था लेकिन ख़रीद नहीं पाई थी। सो यही फ्लावर की दुकान में मैं फ्लावर ख़रीदने के लिए आई थी, और इधर अचार की दुकान में रह के आंटी बातें कर रहे थे, तो मैं फ्लावर्स
घर के आ गई थी और इधर प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, कौन कौन फर्स्ट प्राइस सेकंड प्राइस, कुछ गेम्स वगैरह भी हो गया था। बट हम लोग इतने दिन नहीं आए थे, आज लास्ट तो आ गए थे। तो ये फ्लावर को ना मैं लेकर घूम रही थी ना, तो मुझे देख कर ना बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया था, तो मुझे एक या दो डंडा फ्री में दे दिया था। तो वो सब लोग बोल रहे थे कहाँ से खरीदा था, मैंने बोला था कि रेदा से खरीदा था, बोल रहा था कि बहुत प्यारा लग रहा था, तो वही थोड़ा सा। और आज मैंने ये ड्रेस को ड्रेस पहना था, स्वेटर नहीं पहना था, वॉकिंग वगैरह करने के टाइम पे गर्मी लगती है। और ये जो अंकल है, इसको इनको देखने के लिए लोग मतलब भीड़ हो रहे थे, हमें कुछ खरीदना नहीं था बट उनको देखने के लिए आए थे। फिर अजीब लगता है तो फिर इधर से हम लोगों को मिक्सचर चनाचूर होता है ना, चनाचूर टाइप का वो ले लिया था, मुंह का स्वाद भी अच्छा नहीं था, तो आंटी भी लिया, हम लोग भी नहीं आता। सो मुझे इन अंकल को देखकर उनकी वो बॉलीवुड सॉन्ग पे डांस करते करते आप लोग देख लीजिए कितना मतलब अजीब से लग रहा था। सो ये मतलब फ्लावर हम लोग लेकर आ गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं रहे थे, ऐसे तक कि खांसी कोल्ड लग जाता, वैसे भी इधर ठंड पड़ गया है बहुत ज़्यादा। सो कैसा लगा ये फ्लावर, दिन में अच्छे से दिखाऊंगी आप लोगों को किसी दिन। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा बताना मत भूलिएगा कमेंट पे, अगर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये पहले फ्रिज की साइड में थे, तो अभी मैं सोच रही थी ना सोफा के इधर रख देती हूँ, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये अंधेरे में अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, दिन में अच्छा लगेगा। चलो मिलते हैं और एक ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।